जय हिंद सभी को। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हाँ, लाइट कम है क्या? देखते हैं। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। आज माइकवा है ना, यही बहुत प्रॉब्लम करता है माइक जो है। समझना एक बात, इसमें वो बात क्या था, हम उस दिन पढ़ाए, आज इंग्लिश की क्लास होगी, कल फिजिक्स हुई थी ना, फिर कल फिजिक्स ही हो जाएगी क्लास, ठीक ना? दिख रहा है ना यहाँ से? यहाँ तक तो शायद दिख जाता होगा, ठीक है? समझना, उस दिन बताए थे इंग्लिश में, क्या बताए थे हम, वहाँ तक हम बताए थे आपको लेटर, वोवेल, कॉन्सोनेंट, वर्ड और सेंटेंस, इतना चीज हम बताए थे, ठीक है? आज हम एक चीज ध्यान देंगे, आज हमें पढ़ना क्या है मेन रूप से इंग्लिश में, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे लेकिन समझ के बउवा पढ़ेंगे। मेरे पास टाइम है और बहुत टाइम है, ठीक है ना? परेशान मत होना, और ये परेशान मत होना कि आखिर किताबा कौन पढ़ाएगा, हम किताब भी आपको पढ़ाएंगे, इंटर का जो किताब है ना बउवा, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना? एक एक स्टेप पढ़ाएंगे, एक एक आपको लाइन पढ़ाएंगे किताब का, इसलिए आप परेशान मत होना, क्लियर है? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे बउवा, क्योंकि वहाँ तक हम पढ़ लिए थे ग्रामर, नहीं पढ़े थे, सिर्फ पढ़े थे वहाँ पे सेंटेंस किसे कहते हैं। आज हम सीखेंगे ग्रामर किसे कहते हैं। ग्रामर मीनिंग देख लेना, बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड में, ठीक है? ग्रामर का बउवा हिंदी होता है व्याकरण। क्या होता है ग्रामर का हिंदी? व्याकरण। समझना इसका परिभाषा कैसे लिखते हैं। कोई पूछेगा कि बउवा ग्रामर किसे कहते हैं, एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप ही के मामू पूछ लेंगे, पता है ना, जब पूछते हैं तो खिस लगता है एकदम, ना आते एकदम परेशाने करे लगी, ठीक? वही सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रामर किसे कहते हैं, तो बता देंगे। क्या बताएंगे कि जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सिखाता हो, वही क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। वही क्या कहलाता है बउवा? ग्रामर कहलाता है। अब एक बात चीज ध्यान देना, जो हमें शुद्ध शुद्ध ये भूलना नहीं है, और कहेंगे ठीक है तू तो हिंदी में तो बोल दिया, अब अंग्रेजी में बोल के दिखाओ, तो नहीं, ये भी तो बोलेंगे ना कि ठीक है बउवा, सर जी ये लिख दी है अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, तो हिंदी में तो बोल दिए, अब अंग्रेजी में बताओ, तो बोलेंगे इफ एनी वर्ड टेल मी प्योरली, ये लर्निंग प्योरली, जो हमें शुद्ध शुद्ध सिखाता हो, व्हाट टेलिंग स्पीकिंग सिंगिंग डांसिंग स्पीकिंग इट्स कॉल्ड ग्रामर, इट्स कॉल्ड ग्रामर, इसे क्या कहते हैं बउवा? व्याकरण कहते हैं। कोई दिक्कत है? जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना सिखाता हो, वही क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। अब ध्यान देना एक चीज, ये जो शुद्ध शुद्ध है ना, शुद्ध शुद्ध, ये कभी भूलना मत, यही तो ग्रामर है। शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए ही हमको ग्रामर सिखाता, मैं ठीक है, शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए ही हमें ग्रामर सिखाता है, ठीक ना? शुद्ध शुद्ध हटा देंगे तो गलती हो जाएगा। जैसे बोल दिए माई नेम इज सुमन सौरभ, नाउ आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, ठीक, नाउ आई टीच क्लास बेसिक टू इंटरमीडिएट इन 10th टू ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर 10th ओनली टीच इंग्लिश एंड फिजिक्स, ऑल्सो वीकली हिंदी, क्लियर? ओके, समझना एक चीज, जो लिख दें, चलो लिख देते हैं, जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सिखाता हो,
क्या सिखाता हो? पढ़ना सिखाता हो, ठीक, वो क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है बउआ, व्याकरण कहलाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब कहे ना उदाहरण लिखने के लिए, लिख देंगे माई नेम इज सुमन सौरभ, सब अपन अपन नाम लिखेगा, ठीक नहीं, सब हमारे नाम लिख देना। माई नेम इज सुमन सौरभ, आई रीड, या ऐसे लिखो आई एम प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग, ठीक, प्रिपेयरिंग इन जनरल एग्जामिनेशन, कुछ भी लिख देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत। आई लिव एट मोकामा घाट, क्लियर है। नाउ आई 23 इयर्स ओल्ड, क्लियर है। नाउ आई फर्स्ट ग्रेजुएट इन साइंस एंड मैथ, क्लियर है। आई टीच इंग्लिश एंड फिजिक्स, लिख सकते हैं आप भी, आपको जिस चीज़ में शौकीन है आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना बउआ? इतना इतना क्लियर हुआ पहले? यहाँ तक कोई दिक्कत? ग्रामर किसे कहते हैं, एकदम अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए। ये तो एकदम मत भूलना, शुद्ध शुद्ध, क्या नहीं भूलेंगे? शुद्ध शुद्ध कभी मत भूलना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना हम चलो मिटाते हैं। अब समझना, अब क्या समझेंगे? ग्रामर तो पढ़ लिए, अब उसके बाद चलते हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में। दिख रहा है क्या? शायद नहीं दिखता होगा यहां से। अब पढ़ते हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द भेद। क्या बोलते हैं हिंदी में से? शब्द भेद बोलते हैं। अब समझना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, अर्थात शब्द भेद किसे कहते हैं, ठीक ना। अब ध्यान देना, शब्द भेद कहते किसको? तो जो शब्द का भेद, शब्द का भेद जैसे बोला जाए, इसे कितने भाग में बांटा गया है? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ parts of a speech, there are 8 types of parts of a speech। अब आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिखा देंगे, मेरा फर्ज है लिखाना। पहला है noun, दूसरा pronoun, तीसरा adjective, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और आठ नंबर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इतना लिख लीजिए पहले, आप लोग लिख दे हिंदी, लिख लो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक, और ये है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, इतना तक क्लियर हो गया? इतना तक क्लियर हो गया, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ देर के बाद ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जो वीडियो है ना, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है, मिलते हैं कुछ देर के बाद।